हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर कंटिन्यूअस चार्जेस होंगे तो कंटिन्यूअस चार्जेस में हम लोग बात कर रहे थे लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब इस तरह से एक रॉड पर यूनिफॉर्म तरीके से अगर चार्ज फैला हुआ है तो इस साइड में कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके अलावा फिर और भी डिस्कशंस हम लोग किए थे, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग अगर रहेगा उस पर मौजूद चार्ज के वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एट्सेट्रा। तो आप एक काम करें, हमेशा की तरह इस वीडियो को पॉज करिए और एकदम शुरुआत से लेके एकदम लास्ट तक अभी तक जितना भी चैप्टर में सीखे हुए हैं 5 मिनट के अंदर आप अच्छे से रिवाइज कर लें पहले। ऑल राइट, आई होप आपने की रिवाइज कर लिया। हम लोग आज के क्लास में क्या क्या सीख रहे होंगे ये समझ लो पहले। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और अच्छे से समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करेंगे। अच्छा, मैं पिछले क्लास में ये बोला था कि आपको एनसीईआरटी बुक में सेक्शन 1.9 तक अच्छे से पढ़ लेना है। तो सेक्शन 1.9 में दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज आई होप कि आप सभी के नोटबुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये बहुत बुरी बात है। हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और प्रॉपर्टीज सीखेंगे और एक दो एग्जांपल्स सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे होंगे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आप इन चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से। मैं ये चाहता था कि पहले आप प्रॉब्लम फेस कर लें ताकि अब मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपको एक बार में समझ में आ जाए बातें। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL में लिख दिया उसे। तो थ्योरेटिकल बात है, हमने जितना भी कुछ सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में उसको बस एनलिस्ट कर रहे हैं एक जगह पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यह सबसे पहली बात और सबसे फंडामेंटल बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में यह कि किसी भी जगह पर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस खास जगह पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो किसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके हैं, किसी चार्ज वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, तो आखिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, इसका आखिर मतलब क्या है? तो इसका मतलब मात्र इतना है कि इस खास जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस खास जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस खास जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एंड सो ऑन। तो आप ये डायग्राम भी बना दीजिए और इन तीनों एरोज को कहा जा रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये खास रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। आप तीन पॉइंट्स पर डायरेक्शंस ना दिखाएं, ये पी पॉइंट है अगर, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, ये पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। मैं फर्स्ट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस खास जगह पर होता है। सबसे फंडामेंटल बात यही था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड वैनिश, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड वैनिश एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट एंड वैनिश एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली, एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली। अब पहले समझ लो, यहां पर
मैं ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको याद होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक पेयर के वजह से किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सेंस में, ऐसे करके हम लोग सीख चुके हैं पहले ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेंस में डेवलप करवाए थे और भी थे। तो इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हम लोग नोट कर रहे हैं वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शुरुआत होना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके खत्म हो रहे होंगे नेगेटिव चार्जेस पर। और एक बात, अगर आप बुक पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक और एक्स्ट्रा बात यहाँ पर आगे की बात यह है फिर कि हाँ, यह जरूर हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन यह वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकता है कि इन्फिनिटी तक भी चला जाए और यह वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से आ रहा हो। तो आप ये मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड वैनिश एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेस्पेक्टिवली और एट इन्फिनिटी, और एट इन्फिनिटी। तो ये पूरी बात हुई और ये डायग्राम अपने आप में सारी बातों को सेकंड वाले पॉइंट के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था सेकंड बात कि भाई चार्ज खुद ही ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को और खुद ही एब्जॉर्ब भी करता है। पॉजिटिव वाला चार्ज जनरेट करवाएगा, नेगेटिव वाला चार्ज एब्जॉर्ब करवाएगा। और देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। भाई पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव तक जाता है, शॉर्टकट में बताया। थर्ड पॉइंट फिर क्या है, देखो थर्ड पॉइंट ये है कि माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके जा रहा था कहीं से आके, या दूर किसी पॉजिटिव चार्ज से आके ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा था, बीच में थोड़े देर के लिए गायब हो गया और उसके बाद फिर से जनरेट होके ऐसे करके चला गया इन्फिनिटी तक या नेगेटिव चार्ज तक। तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये नहीं है कि ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा हो, बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जाए, बीच में थोड़े देर के लिए ब्लैंक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर गायब होगा तो वो नेगेटिव चार्ज पर ही होगा। अगर आपके दिए हुए जगह में गायब हो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसका सीधा मतलब कि वहां पर जरूर से नेगेटिव चार्ज ही है। अगर जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दिए हुए जगह में, तो जरूर से वहां पर पॉजिटिव चार्ज ही है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ना हो, अंडर एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर ओरिजिनेट और वैनिश। तो आप इसी बात को लिखेंगे सिंपल से वर्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट गेट discontinuous in empty space. Electric field lines cannot get discontinuous in empty space. तो सीधी बात, थर्ड वाले पॉइंट में हमने लिखा no discontinuity. Discontinuous नहीं होता। अच्छा, फोर्थ पॉइंट फिर क्या है? याद करो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था कि भाई किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस खास जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो तुम पहले सोच लो कि माना कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रहा था इस तरह से और अचानक से टर्न लेके इस सेंस में चला जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसा क्यों, इस बात को समझना होगा हमें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साइड से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, तो इसका बस मतलब यह है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। बस यही मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इस पॉइंट सपोज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे करके है, लेकिन अगर यहां पर कोई शार्प टर्न, अचानक से घुमाव आया हो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं रह जाएगा। फिर आखिर किस डायरेक्शन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता नहीं किया जा सकता इस दिए हुए डायग्राम से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चूंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकता। तो यही बात को हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट टेक शार्प टर्न्स। ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत डायग्राम है, यही बस बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट टेक शार्प टर्न्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट टेक शार्प टर्न्स बिकॉज एट द शार्प टर्न बिकॉज
एट द शार्प टर्न द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट गेट डिफाइंड. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी डिफाइंड. एक डायग्राम भी बनाया था, उस डायग्राम को भी बना दो. डायग्राम ये था कि शार्प टर्न जिस जगह पर लिया गया, उस खास जगह पर जिस पॉइंट पर शार्प टर्न आया, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. हर एक पॉइंट पर एक यूनिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और अगर शार्प टर्न आएगा तो उस पॉइंट पर यूनिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं होगा. और सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे कठिन वाला पॉइंट, जो कि अक्सर समझ में नहीं आता है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ही समझिएगा बिल्कुल ध्यान से. मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगेन मुझे हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है, कि अगर आप रिलैक्स मोड में देख रहे होंगे इस वीडियो को तो बंद कर दो वीडियो, कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ाई करने का अभी तक. ठीक, एकदम अच्छे से हाइएस्ट फॉर्म ऑफ अटेंटिविटी चाहिए. आप हाईली फोकस्ड होके पढ़ाई कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सीखो. यही एकमात्र साधन है अभी तुम्हारे पढ़ाई करने का और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का. यूज दिस टाइम वेरी वेरी वाइजली, क्योंकि इस समय में ये एक ऐसा समय है जिसमें कि जो थोड़ा सा भी लेथार्जिक स्टूडेंट होगा, जो थोड़ा सा भी आलसी होगा, वो इतना पीछे चलते चला जाएगा कि पूछो मत. और जो थोड़ा सा भी अटेंटिव होगा, जो थोड़ा सा भी हार्डवर्किंग होगा, वो इतना आगे चला जाएगा कि पूछो मत. मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि चूंकि अभी डिसिप्लिन में जाके पढ़ाई करवा पाना बच्चों से टीचर्स के द्वारा पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से जो बच्चे डिसिप्लिन में पढ़ाई नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, और जो थोड़ा सा भी डिसिप्लिन में पढ़ाई करके आगे निकलने की चाहत रखते हैं वो इतना आगे जाएंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है. ठीक, एक छोटी सी बात होती है, अभी मैं बस बता रहा हूँ फिफ्थ वाला पॉइंट, एक छोटी सी बात ऐसे ही याद आ रही है तो मैं बता रहा हूँ. 1.01, अब मतलब समझ जाना तुम मैं कहना क्या चाहता हूँ. 1.01, 1 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है ये, लेकिन इसी को अगर इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से लगभग 1 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा 1 से ज़्यादा आएगा. फिर से जो भी आंसर आया उसको 1.01 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लगभग 1 ही रहेगा लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ये जो थोड़ा सा ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अगर 365 टाइम्स इसी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब समझे क्या, तुमको अगर काम दिया गया 100% करने के लिए एक दिन, तुम उसको 101% कर दो, फिर अगले दिन तुमको जो काम दिया गया उसका भी 101% काम कर दो, और यही काम तुम लगातार पूरे 365 दिन तक के लिए कर दो, तो इसका वैल्यू तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना आएगा. लगभग 1, लगभग 2, लगभग 3 नहीं, 36 होता है इसका लगभग वैल्यू. तो आप 36 टाइम्स जितना काम दिया जा रहा था उसके 36 टाइम्स आप पहुंच चुके होंगे काम करने में. तो मैं कुछ स्टेटमेंट में नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको बता रहा हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं. चलिए वापस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिफ्थ वाला पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं, देखना ध्यान से जरा. तो माना कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज क्यू, ठीक, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का कुछ तो होता है. टोटल 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ कर दिया. अच्छा, अब ध्यान से, यहां पर एक ऐसे करके एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस S1, अच्छा ये स्फेरिकल सरफेस ना ऐसे करके बंद है, ठीक, क्लोज्ड है ये, स्फेरिकल सरफेस S1 कंसिडर कर लिया मैं, ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर इसका डबल रेडियस का, मतलब पिछले वाले स्फीयर का, इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस अगर R है तो बाहर वाले का रेडियस 2R,
इसका रेडियस अगर मैं लिखा r, तो इसके लिए रेडियस 2r है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मैं इसकी बात करना चाहता हूं। अब पहले S1 से, तो S1 आखिर है क्या? एक सरफेस ही तो है। तो S1, S1 का रेडियस है R का, इस वजह से S1 का जो टोटल सरफेस एरिया होगा कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं S1 से? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं S1 से 8। अच्छा, S2 से जरा देखो, S2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, इस वाले S2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं वो भी 8 ही तो हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस S1 से होके गुजरे वो S2 से भी होके गुजरेंगे ही गुजरेंगे। तो इस कारण से S2 से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सर्फेस S2 स्टिल रिमेन्स 8। लेकिन इसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया की बात कर रहा हूं। तो यहां पर S1 के लिए अगर तुम देखोगे तो ये रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। जबकि S2 से अगर काउंट कर रहे होंगे तो ये 8 तो रहेगा ही, लेकिन इस बार जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। और कितना? जस्ट डबल हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2r का रेडियस होने की वजह से 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब देखना, मान लो मैं इसको एक वेरिएबल नाम दे दिया x। x का मतलब हुआ करेगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इसको मैं नाम दे दिया x। तो x का वैल्यू s1 पर जितना है, x का वैल्यू s2 पर जितना है, कहां पर ज्यादा है गिन के बताओ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दोनों में ही सेम है, लेकिन एक बार एरिया कम है एक बार एरिया ज्यादा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम जगह में 8 है, यहां पर ज्यादा जगह में 8 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया s1 वाले सरफेस पर ज्यादा है और s2 वाले सरफेस पर कम है, यहां पर इनफैक्ट 1/4 है। तो x का वैल्यू यहां पर मान लो कि x0 है, तो यहां पर x0 डिवाइडेड बाई 4 है कि नहीं? ठीक। अब सीखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जरा देखना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मतलब s1 के किसी भी एक पॉइंट पर, s1 के किसी एक पॉइंट सपोज p1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, क्यों यहां पर चार्ज बोला था मैं, kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर p1 वाले पॉइंट पर। जबकि p2 वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सोचो kq डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का p1 पर ज्यादा वैल्यू आएगा कि p2 पर? ऑब्वियसली p1 पर, और p1 पर जो भी वैल्यू आएगा उसका 1/4 आएगा p2 पर। तो अब सारी बातों को एक साथ सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया S1 पर ज्यादा है, S2 पर कम है, S1 पर जितना है उसका 1/4 S2 पर है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वैल्यू P1 पर ज्यादा है, P2 पर कम है, P1 पर जितना है उसका 1/4 है P2 पर। तो अब बताना ये चाहता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, कि ये जो क्वांटिटी लिखे थे, जिस रेशियो में ये घटता है उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी घटता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी ये सीख रहे हैं, मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं, लिखवा भी रहा हूं, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस पर यूनिट इट्स एरिया। लिख दो इस बात को, फिफ्थ पॉइंट में आप लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस
इस सरफेस को पेनिट्रेट करके कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। ज्यादा जा रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, कम जा रहे हैं तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, गलत हो गया। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं गिनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को गिनना है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 8 है, लेकिन पर यूनिट एरिया अगर देखोगे तो यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। वही हालत इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ कारण से ये इस चीज से, इस फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से। वही बात हम लोग लिख रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सर्फेस पर यूनिट इट्स एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सर्फेस पर यूनिट इट्स एरिया। आई होप मेंशन कर दिया आपने। अब डायग्राम क्या बनाना है, तो ये एक पहले देख लो, ये एक चार्ज और चार्ज से निकलते हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल 8 दिखा सकते हैं आप, 16 दिखा सकते हैं। उसमें क्या है, 16 में भी 16 में भी वही सिचुएशन रहेगा, 16 यहां भी 16 यहां भी, लेकिन पर यूनिट एरिया देखने जाओगे तो 1:4 का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी 1:4 का रेशियो। तो 8 दिखाइए, ठीक रहेगा डायग्राम। S1 का सरफेस ऐसे दिखाओ, S2 का सरफेस ऐसे दिखाओ, R रेडियस, 2R का रेडियस, ठीक। और उसके बाद फिर ये इक्वेशन लिख दिया जाए, इतना सफिशिएंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस पर यूनिट इट्स एरिया, यही लिखे हम लोग। ऑल राइट, आई होप आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया इसे। अब एक छोटी सी बात बस, बाद में समझ में आएगा सब कुछ डिटेल में, ठीक। अभी यहां पर एक छोटा सा करेक्शन हम लोग करेंगे कि ये जो एरिया है ना, जो यहां पर एरिया से हम लोग डिवाइड किए थे, ये वाला जो एरिया लिया गया था, इस एरिया को कंसिडर करने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एरिया हमेशा ही लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर वाला सरफेस एरिया। नहीं समझे बात, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है ना, तो ये वाला एरिया लेंगे, जो फेस ऑफ द पाम है ये वाला एरिया लेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है तो यहां पर ऐसे करके एरिया लेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर रहे होंगे फ्लक्स के बारे में जब डिस्कशन करेंगे, तो फिलहाल अभी ये बात को मेंशन करें, एरिया टू बी कंसिडर्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया टू बी कंसिडर्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को अभी मेंशन कर दो, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लक्स के बारे में, तो ये बात भी समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये फाइनली हम लोगों ने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। आप पहले से शुरुआत के 4 प्रॉपर्टीज जानते थे, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये फिफ्थ वाला सेक्शन दूसरे तरीके से एक्सप्लेन्ड है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताया, दोनों ही सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अब लिखिए कहने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन सॉल्व मैं ही करूंगा। Draw electric field lines due to following continuous charge distributions. Draw electric field lines due to following continuous charge distributions. First है, solve मैं ही करूंगा इसे, केवल कहने के लिए question है, revision के समय आपको बहुत ज्यादा help मिलेगा। First part है, long uniform long line charge, इसके वजह से हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी। तो लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन है ये, मतलब ये एक ऐसे करके रॉड है, और रॉड में खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका साइज इंफिनिटी तक है। ये ऊपर में इंफिनिटी तक गया हुआ डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, ये भी माइनस में इंफिनिटी तक गया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का चार्ज्ड रॉड है। इस पर चार्ज में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस सेंस में, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसे, भाई देखिए मॉडल हो सकता है, मैं आपको यहां पर एक स्टिक लाके चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाते हुए दिखा सकता हूं, उसका जरूरत नहीं है, तुम आसानी से इस बात को समझ सकते, ठीक।
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप अच्छे से एकदम समझ के नोट कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर ऐसे करके जा रहे होंगे, यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन, और यही बात पूरे में होगी, पूरा मतलब इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, चारों तरफ ऐसे करके फैल रहे हैं। अब ध्यान से जरा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में दिखाया है ना, अब ये है लेकिन थ्री डायमेंशंस में, थ्री डायमेंशन मतलब इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर ऐसे करके तुम्हारी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर ऐसे करके, यहां पर ऐसे करके, एटसेट्रा, ये ऐसे पूरे में फैला हुआ है और रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे करके फैल रहा है। ये इस रॉड को एक्सिस मानते हुए सिलेंड्रिकली ऐसे करके फैलते जा रहा है। सिलेंड्रिकली मतलब केवल राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं, फ्रंट साइड भी ऐसे करके फैल रहा है, बिहाइंड द बोर्ड भी पीछे की तरफ लगातार फैलते जा रहा है। तो इस डायग्राम के तुरंत बाद मेंशन कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द लीनियर चार्ज, फ्रॉम द लीनियर चार्ज, बस इतना ही। इस लीनियर चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से फैले हुए होंगे। दूसरा है, दूसरा पार्ट है, फिर लिख दो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, नहीं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, शीट का मतलब एक प्लेनर सरफेस, एक प्लेनर सरफेस जिसका साइज लार्ज है, लगभग डायग्राम ऐसा कुछ रहेगा। देखो कोशिश कर रहा हूं थ्री डायमेंशंस में बनाने का, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये एक प्लेट के जैसा है, ठीक, और उस प्लेट में, उस प्लेट में पूरी तरह से चार्ज भरा हुआ है, और चार्ज कैसे भरा हुआ है देखिए, अंदर ही अंदर पूरे में चार्ज भरा हुआ है। अच्छा, अंदर ही अंदर अगर चार्ज भरा हुआ होगा तो सामने से भी देखोगे ऐसे करके तो भी तुमको चार्ज का इफेक्ट ऑब्जर्व होगा ही, पूरे में थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द शीट। जैसे मान लो कि कोई एक बुक है, बुक के इनर पेजेस पर हर जगह पर चार्जेस हैं, फ्रंट पेज पर भी चार्ज है, बैक पेज पर भी चार्ज है, इस तरह से कोई, तो ये एक नोटबुक है और पूरी तरह से चार्ज इसमें फैला हुआ है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये मैं बाउंड्री केवल आपके समझने के लिए बनाया हूं, यह बाउंड्री यहां पर है नहीं, दिस एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस अपसाइड ऑल्सो, ऊपर की तरफ भी ये इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये बात का ध्यान में रखना। तो लार्ज साइज ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे भाई कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंशन है इसका। तो इस लार्ज लार्ज शीट ऑफ चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश थी, तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे, फिर यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड में। अगर ये शीट ऑफ चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ ऐसे करके, मानो ना तुम कि ये डायग्राम नहीं बना हुआ है, यहां पर कुछ भी डायग्राम यहां पर नहीं बना हुआ, ये जो बोर्ड है पूरा ये खुद ही चार्ज्ड है। तो अगर ये खुद ही चार्ज्ड है तो यहां से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके चारों जगह से, मतलब हर पूरे एरिया से थ्रू आउट ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, और ऑब्वियसली सिर्फ बाहर ही नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बोर्ड के पीछे के साइड भी जा रहे होंगे। उस बात को इसी डायग्राम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना भाई, इस एरो का छोटा सा हिस्सा दिखाई नहीं भी दे रहा है, ठीक, यहां पर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर एरोस छोटे इसलिए हो गए हैं
क्योंकि उनका एक फ्रैक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो इस शीट के इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर की तरफ, इसी शीट के बिहाइंड द शीट भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द शीट। तो इसके बारे में आप स्टेटमेंट में ये लिख दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द शीट अवे फ्रॉम द शीट, या परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द शीट। इस शीट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द शीट मानते हुए कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू आउट। तो इतना हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आई होप आप कुछ ना कुछ सीख पाए, और अब जाके जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हर बार हो रहा होगा। तो जो ऑलरेडी डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग सिचुएशन में कैलकुलेट करने का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इतना अच्छे से समझ लेने के बाद मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार पॉज कर लो, फिर से पहले सुन लो क्या बोल रहा हूँ, अभी मत पॉज कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, जब मैं चुटकी बजाया करूँगा तो पॉज कर देना, ठीक, ये सही है। तो करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जितना भी बताया हूँ, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जितना भी बताया गया उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करके। वीडियो को अब पॉज कर लो, ठीक। आई होप आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम लिखो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हम लोग शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ अभी बात कर लेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस के साथ आप ध्यान से बातों को सुनते जाएं, कुछ भी मिस मत करो, सबको समझ में आ जाएगा। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैसा हुआ, एक ऐसा चार्ज जो कि फैला हुआ है स्फीयर पर। अभी केवल डायग्राम बना रहा हूं, उसको आपको नोट करने का जरूरत नहीं है। स्फीयर मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सर्किल ही बना के आपको बोलूंगा कि इमेजिन करो कि ये स्फीयर है। तो ये एक स्फीयर है अगर, जिसका कि रेडियस आर है, तो इसके या तो मात्र सरफेस पर हो सकता है चार्ज फैला हुआ। तो बाहर में हवा में मैं पॉजिटिव चार्जेस दिखाया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्फीयर के बाहर हवा में चार्ज है। चार्ज दरअसल इसी सरफेस पर फैला हुआ है पूरी तरह से, मतलब खूब सारा चार्ज था उसको पूरे एरिया में फैला दिए, ठीक। टोटल चार्ज है Q, रेडियस है R इस स्फीयर का मान लीजिए। तो एक होता है कंसेप्ट चार्ज डेंसिटी का। तो चार्ज डेंसिटी का यहां पर क्या मतलब है इस बात को समझो, ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर में भी एम्प्टी और बाहर में भी एम्प्टी, बाहर में भी एयर होगा अंदर में भी एयर होगा, खाली है ये पूरी, या वैक्यूम होगा मान लो, लेकिन ये सरफेस पर पूरी तरह से फैला हुआ है चार्ज, ऐसे में कहलाएगा ये हॉलो स्फीयर। जैसे बलून होता है ना, बलून, बलून के सरफेस पर चार्ज दे दिया, अंदर में एयर है बाहर में भी एयर ही है, ये सिचुएशन है। और ऐसे में चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब जब चार्ज एरिया में फैला होता है तो हम लोग कह देते हैं कि टोटल चार्ज जो कुछ भी था डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि एरिया में फैला हुआ है इस वजह से चार्ज डेंसिटी का मतलब रहेगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर यही चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ होता तो कह देंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यही चार्ज किसी एक वॉल्यूम नहीं, एरिया नहीं, लाइन पर फैला होता तो कह देंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ पहले आ चुका था, रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में थोड़ा सा सेक्शन था वो। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा इस बात पर डिपेंडेंट है कि चार्ज कहां फैला हुआ है। चार्ज अगर किसी एक लाइन पर फैला हुआ है तो चार्ज डेंसिटी का मतलब कहलाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ।
अगर ये चार्ज इस डायग्राम में जैसा कि दिखाया हूं एरिया में फैला हुआ है, तो नाम रहता है चार्ज डेंसिटी का, मतलब रहता है चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया यहां पर 4πr² है। लेकिन नेक्स्ट वाला बात यह है कि अगर यही स्फीयर पर चार्ज जो फैला हुआ था वो पूरी तरह से अंदर तक फैला हुआ है, मतलब इस बार यह बलून नहीं है, इस बार यह कोई पत्थर है, पत्थर का बॉल है ये, ठीक। अगर यह पत्थर का बॉल है और अंदर तक चार्ज फैला हुआ है, मतलब अंदर में एयर है क्या? नहीं, एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरे में चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्म तरीके से। ऐसे देखो, अंदर में पूरी तरह से चार्ज अगर फैला हुआ है, तो इस बार क्या सरफेस मात्र पर चार्ज है? सरफेस पर तो है ही, अंदर के सरफेस पर, सरफेसेस पर भी चार्ज है, ठीक। तो इस बार चार्ज डेंसिटी अगर कहा जा रहा होगा, तो इसका मतलब रहेगा, चार्ज डेंसिटी का मतलब इस बार रहेगा, यहां पिछले बार होलो स्फीयर लिखा था, इस बार ये सॉलिड स्फीयर है। तो इस बार चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ करेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम आप समझते हैं क्या लिखा जा सकता है, स्फीयर है अगर तो 4π3πr³। ये सभी कुछ बेसिक बातें थी जिसका मैं यूज कर रहा होऊंगा जब डिस्कशन कर रहे होंगे हम लोग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑल राइट, सो लेट अस बिगन आवर डिस्कशन विद स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। हम लोग इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। इसका क्या मतलब हुआ पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं ऑलरेडी। ये अगर कोई स्फेरिकल स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर बोला हूं, यानी कि अंदर में एम्प्टी है। साफ साफ मेंशन करें इस बात को, पिछला वाला लिखने का जरूरत नहीं था, अब यहां पर से हम लोग लिखेंगे प्रॉपरली। और चार्ज जो फैला हुआ है इस तरह से फैला हुआ है, ठीक। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है ये, ठीक है भाई। अच्छा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं हम सभी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब जानेंगे ना जब पता रहे कि कितना चार्ज है, क्या रेडियस है वगैरह वगैरह। तो ये रेडियस को डिसाइड कर लेते हैं, आर है, और जो टोटल चार्ज फैला हुआ है उसका नाम रहेगा क्यू। अगर जरूरत पड़ा तो यहां पर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ आखिर, चार्ज डेंसिटी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, तो कैपिटल क्यू, अभी बताया हूं, डिवाइडेड बाई 4πr², जिसे चलो मैं मान लेता हूं सिग्मा। सिग्मा को इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पर यूनिट एरिया यहां पर। परफेक्ट, अच्छा, इसका जरूरत पड़ेगा मैं यूज करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन हम लोग तीन स्टेप में करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में निकाला जा सकता है, क्या होगा, अलग कैलकुलेशंस चल रहे होंगे उसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में देखा जा सकता है, क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेंटर पर देखा जा सकता है, क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो लिखे हुए थे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसके अंदर में फर्स्ट सब पार्ट लिखो एट सेंटर। मैं ये कह रहा हूं कि पहला पार्ट अब हम लोग कर रहे हैं इसी सिचुएशन में, पहला पार्ट एट सेंटर। बहुत आसान है बताना, डायरेक्ट बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिल्कुल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये सेंट्रल पॉइंट ओ पर जीरो होगा। कारण आप समझते हैं, देखिए यहां पर अगर कोई चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक, जितना भी आए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ठीक अपोजिट साइड में यहां पर भी तो उतने ही अमाउंट का चार्ज यहां पर मौजूद है ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गए।
इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्ड, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्ड, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्ड, इन दोनों के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्ड। इनफैक्ट ये थ्री डायमेंशंस में, तो अगर ये स्फीयर है तो कोई भी दो अपोजिट छोटे छोटे सर्फेसेस के वजह से चार्ज जो प्रोड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस जो कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वो आपस में ही हो जाएगा कैंसिल। तो एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज जीरो बिकॉज डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस आर कैंसलिंग देयर इफेक्ट्स एट सेंटर। ये बात मेंशन कर दो, जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर चार्ज मौजूद हैं उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस विल कैंसिल देयर इफेक्ट्स एट द सेंटर, विल कैंसिल देयर इफेक्ट्स एट द सेंटर। तो पहला पॉइंट का डिस्कशन किया हम लोग, इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट है, फिर अब सेंटर नहीं, अब स्फेरिकल रीजन के अंदर लेकिन सेंटर पर नहीं, मतलब इनसाइड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे हम लोग, सेकंड सब पार्ट है अब इनसाइड द स्फीयर। थोड़ा सा बड़े डायग्राम का जरूरत पड़ने वाला है हमें, आपका अटेंशन भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि एक स्टेटमेंट भी मिस करोगे लास्ट में जाके डिस्कशन समझ में आना बंद हो जाएगा। तो ध्यान से, इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्फेरिकल चार्ज, चार्ज पूरे में फैला हुआ है और चार्ज पर यूनिट एरिया जो है उसे मैं मान लिया सपोज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, ठीक। अब ऐसे हालत में ये अगर सेंटर है तो मैं इंटरेस्टेड हूं इस पॉइंट पर जो कि सेंटर पर नहीं है, पी पॉइंट पर मैं जानना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या किया जाता है, एक छोटा सा पोर्शन यहां पर कंसिडर किया गया। छोटा सा पोर्शन का मतलब ये एंगल मान लो तुम यहां पर एक कोन के जैसा बना और इस कोन का जो सेमी एपेक्स एंगल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि मुझे पता है तुम समझ सकते हो, ये जो एंगल है इसका कुछ नाम रख देते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया भाई, 2 थीटा हो गया। तो केवल एक छोटा सा एंगल हाफ सेमी एपेक्स ऑफ द कोन इज थीटा। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां पर जो डिस्टेंस है जस्ट इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं सपोज, ठीक। तो ये डिस्टेंस अगर एक्स हुआ तो आप समझ सकते हैं यहां पर का जो रेडियस होगा ना वो रेडियस होगा बोलो एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, थीटा बींग स्मॉल वी कैन कंसिडर एक्स इंटू थीटा इज द रेडियस। फिर से यहां पर जो सर्कल जैसा कुछ तो बना, हाँ मुझे पता है ये परफेक्टली फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व्ड है, समझे बात, थोड़ा सा ऐसे करके कर्व्ड होगा ये बात मुझे पता है, लेकिन फिर भी थीटा बीइंग वेरी वेरी स्मॉल वी कैन एज्यूम दिस सरफेस टू बी परफेक्टली फ्लैट एज वेल एज रेडियस ऑफ दिस शेडेड सर्कुलर पार्ट टू बी इक्वल टू एक्स इंटू थीटा। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर मौजूद चार्ज हुआ कितना, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जो भी एरिया है यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो यहां का एरिया हुआ कितना, पाई इंटू एक्स इंटू थीटा का होल स्क्वायर। सही बोला, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस ही वहां पर एक्स इंटू थीटा है। तो अब क्या है कि जितना कोण आपको इस साइड में मिलेगा उतना ही सेमी एपेक्स एंगल का कोण तो इस साइड में भी मिलेगा, है कि नहीं ऐसा, और थीटा को आपको एज्यूम करना है कि बहुत ही छोटा एंगल है। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, या वर्टिकली अपोजिट एंगल से नीचे वाले एंगल को थीटा बोल देते, बात बराबर है, ये वाला एंगल भी थीटा ही है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा बना नीचे वाला एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल ही है,
ठीक, तो इस वजह से ये वाला एंगल थीटा, ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि ये भी डिस्टेंस एक्स होगा। सपोज ये मान लेते हैं कि ईटा टाइम्स एक्स है, ईटा कोई एक फैक्टर है, ईटा हो सकता है 2 है, 5 है, 7 है, इस डायग्राम के मुताबिक 1 से तो ज्यादा है, परफेक्ट। तो अगर ये ईटा टाइम्स एक्स है तो सेम कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर मौजूद जो इतने से एरिया में चार्ज मौजूद है वो चार्ज आखिर कितना है, तो यहां पर मौजूद जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा, सिग्मा मतलब चार्ज पर एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो एरिया क्या, पाई इंटू किसका होल स्क्वायर। यहां पर जो होल स्क्वायर यूज कर रहे होंगे इस वाले रेडियस का, तो ईटा टाइम्स एक्स इंटू थीटा करोगे ना तुम, तो यहां पर लिखा जाना चाहिए ईटा टाइम्स एक्स इंटू थीटा, ईटा टाइम्स एक्स इंटू थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखो सब कुछ सिंपल चल रहा है, बहुत ही सिंपल है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो भी चार्ज लिखा हुआ है, इस चार्ज को अगर मैं मान लेता हूं सपोज डी क्यू, ठीक, तो वो चार्ज अगर डी क्यू है तो ये चार्ज कितना है, ये ज्यादा कुछ नहीं, ये चार्ज ईटा स्क्वायर टाइम्स डी क्यू है। बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिएगा, उसके एक साइड में जितना चार्ज रहेगा छोटे से कोण में, ठीक उसका सिमिलर कोण अपोजिट साइड में देखेंगे तो कितना चार्ज आएगा, तो जो डिस्टेंसेस का रेशियो है उसके होल स्क्वायर का रेशियो रहेगा चार्जेस में। यहां पर मौजूद चार्ज अगर डी क्यू है तो यहां पर का मौजूद चार्ज रहने वाला है ईटा स्क्वायर टाइम्स डी क्यू। बस मैं यही इतना ही कहना चाह रहा हूं। इस सरफेस का नाम रख दिया मैं 1, इस सरफेस का नाम रख दिया 2। इन दोनों सरफेसेस पर मौजूद चार्जेस के वजह से पी पॉइंट पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस फर्स्ट वाले चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये बहुत छोटा एंगल है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसा ही है, बहुत ही छोटा है एंगल थीटा। तो इस मौजूद चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डी क्यू के टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स वॉज द डिस्टेंस। जबकि इस साइड में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कितना आएगा, ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, बिल्कुल चार्ज यहां पर डी क्यू है ही नहीं, चार्ज है ईटा स्क्वायर टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाई, फिर अब डिस्टेंस कितना यूज करूं मैं, तो वो डिस्टेंस जो कि है वो एक्स थोड़ी ना है, वो ईटा ईटा इंटू एक्स है, तो इसका होल स्क्वायर। तो अपोजिट फेसेस के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट वाले सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ये सेकेंड वाले सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ध्यान से देखो दोनों सेम है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, इसके वजह से सेकेंड पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो इस साइड में आएगा, बोथ विल अगेन कैंसिल ईच अदर। अब ये अगर कैंसिल कर दिए तब तो सब के सब कैंसिल कर देंगे सेम कैलकुलेशन के वजह से, और डिटेल्ड कैलकुलेशन थोड़ा सा और सोचना पड़ता है, लेकिन एक सिंपल सा तरीका मैं बताया तुम्हें कि किस तरह से समझा जा सकता है। हॉलो स्फीयर के अंदर में, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर में कोई भी पॉइंट ले लो तुम, अपोजिट फेसेस के वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, और फाइनल आंसर हमेशा के लिए, बहुत देखो कितना आसान हो गया, कैलकुलेशन देखने के लिए बहुत कुछ है लेकिन है कुछ भी नहीं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपोजिट फेसेस के वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल ही हो रहा होता है, जिस कारण से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस हॉलो स्फीयर के अंदर के किसी भी पॉइंट पर जीरो ही होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा इस स्फेरिकल चार्ज के वजह से। इसी चार्ज के वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। हाँ, यहां पर अगर एक एक्स्ट्रा में चार्ज रख दूंगा तो इसके वजह से होगा, जैसे कूलॉम्स लॉ से होता है। मैं ये कह रहा हूं इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, शर्त यही है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब इधर सिग्मा है तो इधर भी सिग्मा ही रहे, इधर सिग्मा इधर 2 सिग्मा कर देंगे तब तो आंसर गलत हो जाएगा, तब तो कैंसिलेशन नहीं भी होगा। तो यूनिफॉर्म इस बात को लिखो सेकंड वाले पॉइंट में, जो तुमको यहां पर समझ में आ रहा है अपने हिसाब से लिख लो भाई।
ये कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन ने इसी तरह के कैलकुलेशंस का यूज़ करके ग्रेविटेशन में ये प्रूव किया था कि भाई अगर यहाँ पर पूरे में मास फैला हुआ रहेगा, स्फेरिकली यूनिफॉर्म तरीके से अगर हॉलो स्फीयर में मास फैला हुआ रहेगा तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा। एग्जैक्ट यही कंसेप्ट था। तो समझने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के वजह से उसी शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो हम लोग सेकेंड पोर्शन समझ लिए। फर्स्ट पोर्शन ये था इसी डिस्कशन का कि भाई सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो के बराबर, स्फीयर के अंदर में फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। ठीक, उसका कारण क्या था कि अपोजिट जो सर्फेसेस बनेंगे, चाहे डिस्टेंस एक तरफ कम ज्यादा भी क्यों ना हो जाए, टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन लीड्स टू वैनिशिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल। उसके आगे थर्ड पॉइंट अभी भी बचा हुआ है। देखो, थर्ड पॉइंट मतलब कि भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वही हॉलो स्फेरिकल शेल है और इस हॉलो स्फेरिकल शेल की वजह से हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार सेंटर या अंदर के किसी पॉइंट पर नहीं, बाहर के किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए अब थोड़ा सा अजीब सा तरीका यूज कर रहा हूं, उसका क्लियरिटी अभी पूरी तरह से नहीं होगा। लर्निंग प्रोसेस अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे करके हमें चीजें समझ में आती हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। देखिए, बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करने के लिए आप समझने की कोशिश करोगे कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे। तो एक बार मेरे ड्रॉ करने के पहले, आप हम लोग थर्ड सब सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें टॉपिक का नाम लिखा हुआ है आउटसाइड द स्फीयर। और यहां पर डिस्कशन करने के पहले सबसे पहले आप क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पहले इसके वजह से दिखा दें मुझसे पहले। और यही कारण था कि हम लोग बीच में रोक के स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कशन किए बिना पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कशन किए और उसके बाद यहां पर आके बात कर रहे हैं। तो इससे और ज्यादा क्लियरिटी ही आएगी। तो आप एक बार, अच्छा सॉरी, आई होप आपने कर लिया। तो देखिए, जब जब वीडियो पॉज करना रहेगा मैं चुटकी बजा दूंगा, आप समझ जाइएगा कि वीडियो को पॉज करना है और काम करने के लिए कहा गया है। खैर, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखाएं? तो अंदर में कहीं पर दिखाएंगे ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। लाइन तो छोड़ो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी तक जो दो पार्ट सामने बताया है उन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या अंदर में ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बिल्कुल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैंसिल हो गया है। बस यही बताया अभी तक। अच्छा, अब बाहर के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं हम लोग, बाहर के बारे में बात करते हैं। तो बाहर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकल रहे हो सिमेट्रिकली। इस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, हमें पहले से पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होता है, खत्म नहीं होता। शुरू हुआ ऐसे करके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके चारों तरफ फैला हुआ है इस तरह से। अंदर में दिखाया नहीं जाएगा, अंदर में पूरी तरह से रहेगा जीरो। तो अब सवाल यह उठता है कि इस किसी एक जनरल पॉइंट विच इज आउटसाइड, विच इज लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, उस जनरल पॉइंट पी पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करें इस स्फीयर के वजह से? तो एक सिंपल सा एकदम लॉजिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो तुम ध्यान से, इनका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं जैसे कि टोटल कुछ ना कुछ चार्ज रखा हुआ हो सेंटर पर,
स्फीयर के बाहर अगर हम लोग देख रहे होंगे, इस स्फीयर के बाहर अगर हम लोग देख रहे होंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब यहाँ पर एक काला पर्दा लगा दें और ढक दें, मैं बोलूँ कि गेस करो पीछे क्या है, तो तुम ये बोलोगे कि नहीं कि ज़रूर से सर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देख के, ऐसे आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को देख के ज़रूर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पीछे में कोई तो चार्ज रखा हुआ है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के मैं डायरेक्ट ये बात कह रहा हूँ कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप ये मान सकते हैं जैसे कि ये जो भी चार्ज क्यू था ये कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप ऐसा बिल्कुल मान सकते हैं कि एंटायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इज कंसंट्रेटेड एट इट्स ओन सेंटर। मैं सेंटर ऑफ मास वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतनी ही बात सुनो। स्फीयर के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्फीयर के लिए, किसी कोन के लिए या किसी क्यूब के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यूब अगर पूरी तरह से ऐसे करके चार्ज होगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रही होंगी वो इस तरह की नहीं होंगी जैसे कि लगे कि सेंटर से चार्ज निकल रहा हो। तो इस वजह से एक स्फीयर पर अगर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्म तरीके से वो भी, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि वो निकल के आ रही हो सेंटर से। तो इस वजह से बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम सभी ऐसा मान सकते हैं कि जो भी चार्ज स्फीयर पर था वो स्फीयर के सरफेस के बजाय पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। एंड देन वी शैल अप्लाई डायरेक्टली द कूलॉम्स लॉ, ड्यू टू पॉइंट चार्ज वी कैन इजिली डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट पी। तो यही पूरा कंसेप्ट है। थर्ड वाला पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, अब इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से लिख लेंगे कि आउटसाइड द यूनिफॉर्मली स्फेरिकल चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो पूरा चार्ज था वो कंसंट्रेटेड है सेंटर पर। यह मैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज के बारे में भी बोल रहा हूं। शर्त बस क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज होना चाहिए। यूनिफॉर्म चार्ज के कारण से स्फीयर पर यूनिफॉर्म चार्ज के कारण से बाहर में उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि पूरी तरह से चार्ज केंद्रित है सेंटर पर। आगे बढ़े, ठीक। तो ये हमने होलो स्फीयर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। अब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हम लोग क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। चलो तो क्वेश्चंस पर एक काम करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, एक घंटे का लगभग हो चुका है। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से मुझे पता है इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, 2, 3 में आप प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, मतलब मोस्टली इन एक्सरसाइज 3 आई गेस, उसमें आप प्रॉब्लम्स को फेस किए होंगे। लेकिन आप उसको अब एक बार अच्छे से अटेम्प्ट करिए। हम लोग क्लास में नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी टॉपिक पर और ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे होंगे। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से फोकस रहेगा हम लोगों का नेक्स्ट वाला क्लास। कम प्रिपेयर्ड, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।